कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस से बचाव और सरकार की तैयारियों पर आधारित परिचर्चा। विषय विशेषज्ञ के रूप में भाग ले रहे हैं महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर उमंग खन्ना और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के टीबी चेस्ट विभाग के प्रमुख डॉक्टर सूर्यकांत। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। आज कोरोना वायरस किस प्रकार से फैल रहा है और उससे बचने के क्या उपाय हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार उससे निपटने के लिए किस तरीके के इंतजाम कर रही है, इन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। विशेष प्रस्तुति में हमारे बीच महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर ज्ञान प्रकाश हैं, उनके साथ ही होम्योपैथिक के डॉक्टर उमंग खन्ना हमारे साथ रहेंगे, जो कि होम्योपैथिक विधि से किस तरीके से इस बीमारी से बचाव के किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरीके का इलाज है, उस पर चर्चा होगी। उसके साथ ही हमारे बीच किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर सूर्यकांत रहेंगे। डॉक्टर उमंग खन्ना जी, सरकार ने एक डॉक्टरों का पैनल बनाया है, केंद्र सरकार ने, और वो इस बात का अध्ययन भी कर रहे हैं कि किन बीमारियों से अगर किसी को इस प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो वो आगे उसका इलाज किस तरीके से किया जाए। होम्योपैथी के आप विशेषज्ञ हैं, होम्योपैथी में कहा जा रहा है कि इस वायरस का इलाज मौजूद है, उसको उसकी क्या किन विधियों से और किन तरीकों से उसका इलाज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, होम्योपैथी का इसमें दो तरह का रोल है, एक तो बचाव, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको यह मर्ज हो ही ना, बीमारी हो ही ना और हो गई तो उसका इलाज, दोनों ही चीजें होम्योपैथी में मौजूद है। पहले बात कर लेते हैं बचाव पर, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसा डॉक्टर साहब ने बताया बहुत प्रयास करा गया, ये फैला ही नहीं है, तो बचाव ही बना रहे तो फिर बात वहीं पे। तो इसका बचाव का होम्योपैथी में दवा है, जैसा कि भारत सरकार ने, आयुष विभाग ने जारी भी करा है, जिसका नाम आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम के विषय में एक डिबेट भी चल रही है कि ये काम करती है कि नहीं, कुछ पेपर्स आए कि जिसमें कहा गया कि ये वेग है और कुछ है जिसने कहा कि काम करती है। मैं अपने यहाँ श्रोताओं को बता दूं, ये पूरी तरह से ठीक है, ये ठीक है डॉक्टर हेनीमैन साहब की तरफ से, जिन्होंने 1790 में 95 में इस पर पेपर पब्लिश करा था, जिसको कि जेनस एपिडेमस कहते हैं। जेनस एपिडेमस क्या होता है कि जब कोई आउटब्रेक इस तरह का होता है जो लार्ज कम्युनिटी ऑफ पीपल को एपिडेमिक होता है, कवर करता है, तो वहां पे कुछ सिम्टम्स को कॉमन निकाल लिया जाता है और वह सिम्टम जो उन लोगों में कॉमन पाए जाते हैं, वह सिम्टम की एक मेडिसिन निकाल ली जाती है। और ये माना जाता है कि जो चीज 90% लोगों के सिम्टम्स से फिट बैठ रही है, वो बाकी 10 पर भी फिट बैठेगी, यानी 100% लोगों पे काम करेगी। तो ये आर्सेनिक एल्बम उसी दवा का हिस्सा है। इससे पहले भी स्कारलेट फीवर हुआ था, स्वाइन फ्लू हुआ था, तो आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल हुआ था। स्कारलेट फीवर डॉक्टर हेनीमैन साहब के टाइम पे जर्मनी में हुआ था, तो बेलेडोना दवा उस समय दी गई थी और उसको वहां की सरकार ने एक्सेप्ट करा था कि हाँ, इस दवा ने बहुत मार्वलस, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करा इस मर्ज को आगे रोकने में और जो हो गए उनको क्योर करने में भी। एक ही दवा है बेलेडोना, वो क्योर भी कर रही है और वो प्रिवेंटिव भी है। इसी तरह अगर अब हम लोग को चेचक खसरा होता है, जब वायरस फैलता है, जब चेंज ऑफ वेदर, होली का सीजन आता है, तो हम तलाशते हैं कि वेरोलिनम और मॉर्बिलिनम कहीं मिल जाए जो कि एज ए प्रिवेंटिव काम करे। वो नोसोड होते हैं, यानी वो वायरस से ही डायरेक्टली बनते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक क्यों तो एक पॉइजन होता है जिसको वर्ल्ड वॉर में भी यूज करा गया था। लेकिन होम्योपैथी की खूबसूरती है, जब आप इसकी डोज को बहुत माइन्यूट कर देते हैं क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली इसको पोटेंटाइज कर देते हैं, तो यही आर्सेनिक एल्बम जो एक पॉइजन होता है, यह एक वंडरफुल रेमेडी जो कि बचाव में भी काम आती है और इलाज में भी काम आती है, दोनों में ये वर्क करती है और जो है मरीज को ठीक करती है। इसका आखिरी एक्शन अभी स्वाइन फ्लू पे हुआ था, स्वाइन फ्लू के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को रिकॉग्नाइज करा था कि आर्सेनिक एल्बम ने स्वाइन फ्लू को कंट्रोल करने और उसके ट्रीटमेंट में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करा। बिल्कुल, तो होम्योपैथिक में इसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर उमंग जी, ये जिन सेगमेंट की डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर, और खासतौर पर ये देखा गया है कि जो कोरोना वायरस से जिनके जिन पे असर हुआ है सबसे ज्यादा चीन में भी, उसमें भी बच्चों और बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो एक तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे होम्योपैथी में जिस तरीके का इलाज किया जा रहा है इस बीमारी का, तो उसमें खासतौर पर ऐसे लोग जो बच्चे हैं उनके और बुजुर्ग, उनके लिए क्या कुछ अलग किस्म का, या जो पहले से पीड़ित हैं किसी अन्य बीमारी से, उनके लिए कुछ अलग वे ऑफ ट्रीटमेंट है? जी हाँ, निश्चित रूप से है। और बात वही आती है इम्यूनिटी की, जो बात है होम्योपैथी में इम्यूनिटी को बढ़ाने की बहुत अच्छी दवाएं हैं। अगर इसकी नंबर एक दवा अपने श्रोताओं से चर्चा करें तो वह है इश्नेशिया। अगर आप अपने बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं और बुजुर्गों की जो क्रॉनिक किसी डिजीज से बुजुर्ग ग्रसित हैं या फिर बच्चे,
तो आप उनको इस्नेशिया 1x पावर में एक एक टैबलेट दिन में 3 बार 1 महीने तक दे सकते हैं। यह आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगी। और जैसे कि अब जब ये स्प्रेड है ही है, हालांकि हिंदुस्तान में नहीं है, बचाव के लिए आर्सेनिक एल्बम दवा आप लोग ले लें, 2-2 बूंद सुबह शाम 30 पावर में आर्सेनिक एल्बम 30 आप 3 दिन तक लगातार हर महीने ले लें, जब तक आप कोरोना वायरस का नाम सुने। क्योंकि एक बात है कि बुराई क्या है लेने में, कुछ नहीं करती, लेकिन बुराई क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने इस दवा को फॉरवर्ड करा है और वास्तव में जेन्युइन दवा है, तो आप इसको ले लें और इम्यूनिटी आप अपनी बढ़ाएं। वास्तव में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड होम्योपैथी में इस्नेशिया वो दवा है जो आपके बच्चों की इम्यूनिटी कोरोना वायरस ही नहीं किसी भी मर्ज से बढ़ा के आपको उससे ग्रसित होने से बचाने में मदद करेगी। डॉक्टर, उमंग जी क्या राय देंगे, क्या सुझाव देंगे इस वायरस को लेकर के, एज एन एक्सपर्ट, होम्योपैथी एक्सपर्ट? अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें, वही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आपको यह हुआ नहीं है, कोरोना वायरस से आप इन्फेक्ट नहीं हुए, तो आप अपने को इन्फेक्ट ना होने दें, वही सबसे अच्छा उपाय है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, वेजिटेरियन डाइट पे ध्यान दें, चाइना के एक बार वीडियो देख लें चमगादड़ खाते हुए, आपका खुद ही मन नहीं करेगा दोबारा नॉनवेज खाने का। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें, टेंशन मुक्त रहें, और क्योंकि होम्योपैथी में एक संभावित विकल्प मौजूद है, इसको एक्सरसाइज कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर, आप सभी लोग इस विशेष परिचर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस से बचाव और सरकार की तैयारियों पर आधारित परिचर्चा। विषय विशेषज्ञ के रूप में भाग ले रहे थे महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर उमंग खन्ना और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के टीबी चेस्ट विभाग के प्रमुख डॉक्टर सूर्यकांत। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।